नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय इसकी पुस्तक की समीक्षा करता हूं, पुस्तक की रिव्यू करता हूं। इसके बारे में आपको बताता हूं कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस, इसमें कौन कौन से पाठ दिए हैं जो आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, एनसीईआरटी की बुक कौन पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी का बुक जो एकेडमिक में है, कक्षा 11 में है, क्लास 11th में है, वह उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही यह पुस्तक एनसीईआरटी। उसके अलावा यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं के लिए, इसके अलावा यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बीपीएससी, केबीएस, एनबीएस, डी12+बी, टीजीटी, पीजीटी परीक्षा के लिए, बहुत सारी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। इसे आंका नहीं जा सकता है कि किस किस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आजकल एनसीईआरटी वेस हर एग्जाम हो चुका है, ठीक है। तो कक्षा 11 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय, आइए इसका अवलोकन करते हैं। और आप लोगों को बताना चाहेंगे, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मटेरियल आपको मिल जाएंगे। और आप लोग हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट इस चैनल से, अगर आप लोग एनसीईआरटी की कंप्लीट क्लास चाहते हैं, कंप्लीट मटेरियल चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से पीपीटी के माध्यम से, पावर पॉइंट के माध्यम से एनसीईआरटी के हर फैक्ट को बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से कवर किया गया है, जो भी लोग कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का, तो वह लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, यहां पर भी शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, आप मैसेज कर सकते हैं जिनको भी ज्वाइन करना है। देख लीजिए, इस पुस्तक की जो प्राइस है वह 180 रुपीज है, तो आप नजदीकी बुक स्टॉल से जाकर ले सकते हैं, या फिर मैं लिंक देने का प्रयास करूंगा जहां से आप लोग ऑनलाइन भी इस बुक को परचेज कर पाएं। 15-20% डिस्काउंट का डिस्काउंट भी मिल जाता है इस पुस्तक पर। यह कक्षा 11 के लिए विश्व इतिहास के कुछ विषय, मतलब इसमें क्या जानते हैं, इसमें केवल वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है और बहुत ही बढ़िया। हालांकि कक्षा 11-12 क्लास 11th और 12th की जो कम से कम 3 या 4 किताबें चलती हैं, उसमें सबसे मोटी बुक यही है, ठीक है, पेजेस ज्यादा हैं इसमें। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या है, दरअसल कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, यह आप लोग देख सकते हैं। देखिए कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, तो प्रारंभिक समाज आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रारंभिक समाज में समय की शुरुआत ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें समय की शुरुआत आपको पढ़ना है। समय की शुरुआत में जानते हैं यह प्रागैतिहासिक काल का समय है, ठीक है, किस तरह से मनुष्य का विकास हुआ इसके बारे में यह जानकारी दी गई है। फिर आपका लेखन कला और शहरी जीवन, यह जो आपका चैप्टर है, यह मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में इंगित करता है, इसके बारे में बताया गया है। फिर अनुभाग 2 के तहत, यूनिट 2 के तहत साम्राज्य के बारे में है, कौन कौन से साम्राज्य, तो देखिए 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यह विषय 3 है, चैप्टर 3 है, यह रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी आप लोगों को देता है। फिर इस्लाम का उदय और विस्तार, यह इस्लाम के उदय और विस्तार किस तरह से मक्का में हुआ और किस किस तरह से इस्लाम सीरिया, मिस्र, तुर्की आदि क्षेत्र में फैला, और पैगंबर मोहम्मद ने किस तरह से अपनी शिक्षाओं को फैलाया, किस तरह से अरब समाज में जो संस्कृति थी उसका दमन करके और इस्लाम को फैलाया गया, तो यह इस्लाम का उदय और विस्तार, ये विषय 4 में आता है। फिर विषय 5 में यायावर साम्राज्य के बारे में बताया गया है, इसमें आपको मंगोल साम्राज्य के बारे में बताया गया है, मंगोलियन के बारे में बताया गया, चंगेज खां और मंगोल जो खानाबदोश थे उन्होंने किस तरह से अपने साम्राज्य को फैलाया, मंगोलिया के जो खानाबदोश लोग थे इसके बारे में बताया गया है, तो यह सब है आपका। फिर देखिए अनुभाग 3 के तहत इसका जो चैप्टर है इसका नाम है बदलती परंपराएं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें विषय 6 3 वर्ग, दरअसल ये फ्रांस के अभिजात वर्गों के बारे में बताया गया है, फ्रांस में जो समाज 3 भागों में बटा हुआ था, अभिजात वर्ग, ठीक है, जैसे कि पादरी वर्ग, फिर अभिजात वर्ग, फिर कुलीन वर्ग, ऐसे करके पादरी, अभिजात और फिर कृषक वर्ग, ऐसे करके बटा हुआ था 3 वर्ग में, ठीक है, शायद मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैं मिसलीड हो रहा हूँ, ऐसे करके था, मुझे भूल रहा है इस समय। फिर विषय 7 के तहत बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, विषय 8 के तहत संस्कृतियों का टकराव, ठीक है, थोड़ी घबराहट की वजह से भूल रहा है कि कई सारी चीज़ें पढ़ानी पड़ रही है। देखिए अनुभाग 4 इकाई यूनिट में यूनिट 4 में आधुनिकीकरण की ओर, ठीक है, इसमें जो आपको चैप्टर पढ़ना है विषय 9th में, मतलब चैप्टर 9th है आपका औद्योगिक क्रांति, फिर चैप्टर 10th जो है आपका मूल निवासियों का विस्थापन, फिर विषय
11 मतलब चैप्टर 11 जो है आधुनिकीकरण के रास्ते। तो यह देख सकते हैं कुल आपके 11 चैप्टर हैं, देख सकते हैं यह कुल मिलाकर आपके 11 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो विषय सूची हम आपको बता दिए हैं और यह जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बता दूं बीपीएससी पीजीटी में सारी यहाँ से 40% प्रश्न आए थे, 40 क्या मैं 50% मैं कहूँगा 40% तो प्रश्न आए थे यहाँ से, ठीक है। और बार बार हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से इसका मैं नोट्स आप लोग को दूंगा, इसकी क्लासें भी चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, बेहतरीन मटेरियल आप लोग को मिल रहा है, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी की पुस्तकों में इस तरह से ऐसे डायग्राम बनाकर भी समझाया जाता है, लेकिन समझना थोड़ा सा दुष्कर होता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है, अपने नोट्स के माध्यम से उसको अच्छे तरह से समझाने का प्रयास किया है। देखिए चैप्टर वन में क्या है, समय की शुरुआत, किस तरह से मानव का विकास हुआ, संस्कृति का विकास हुआ, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है, प्रागैतिहासिक काल आदि के बारे में, ठीक है। समय की शुरुआत इस चैप्टर का नाम है। मनुष्य ने किस तरह से औजार बनाए, मनुष्य का जो शारीरिक ढांचा था किस तरह से परिवर्तित होता गया, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, ये दे सकते हैं। और मानव जो अलग अलग प्रजाति थी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, नियंडरथल, ये सब मानव के बारे में बताया गया है, ये आप लोग दे सकते हैं। विश्व में मानव प्रजातियों का निवास, ठीक है, जब मनुष्य की मानव जीवन क्रमिक रूप से विकसित हो रहा था तो उसके बारे में है। इस चैप्टर का नाम ही है समय की शुरुआत, ठीक है, ठीक है, आगे देखिएगा। फिर आपका लेखन कला और शहरी जीवन, अब जो अगला चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन, देखिए इस चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, लेकिन इस चैप्टर में पूरी तरह से जो बताया गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बताया गया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बताया गया है, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया, देखिए एनसीईआरटी की बुक में चित्रात्मक शैली पर है यह बुक होती है एनसीईआरटी की, ठीक है, ऐसा नहीं है क्लास 11th 12th हो गया तो अब चित्र का प्रयोग कम होने लगा, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से 6, 7, 8 में चित्रों की भरमार रहती है, फोटो की भरमार रहती है, वैसे ही 11, 12 में भी जहां आवश्यकता है वहां पर चित्रात्मक शैली में भी यह पुस्तक है, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक है। लेखन कला और शहरी जीवन में मेसोपोटामिक सभ्यता के बारे में है। अब देखिए यह 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यह रोमन साम्राज्य के बारे में कहानी है, पूरा जानकारी है, ये आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। इस्लाम का उदय विस्तार, इसके सारे नोट्स आप लोग को मिल रहे हैं, जाइए देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है, वहां पर आप लोग को सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, सारे लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे। जिनको भी कंप्लीट कोर्स करना है एनसीईआरटी का, जिनको भी पूरा नोट्स चाहिए, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। बीपीएससी डीएसएसबी केबीएस एनबीएस पीजीटी हिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी हो रही है, ठीक है, और यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए पूरी एनसीईआरटी की सीरीज दी जा रही है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद आप लोग को।